जी स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट, जो साढ़े इस सिक्स सेमेस्टर के साडा मैथ का एक सब्जैक्ट है। इस दे विच फर्स्ट लैसन है जिस दे विच असी पढ़ांगे एनालिसिस ऑफ एलगोरिदम्स। एलगोरिदम होंगे की ने? पहला देखो, एलगोरिदम असी कंप्यूटर दे लिए असी बनाने हैं। एक प्रोग्रामिंग है जिस दे उपर कंप्यूटर जिहड़ा है साडा वो काम करता है। ऑटोमैटिकली उसनों कमांड्स इनपुट्स जिहड़ियां असीं दिंदे आ तो उसके मुताबिक वो इनपुट्स के मुताबिक वो कंप्यूटर दे विच प्रोसैसिंग हुंदी है। वो प्रोसैसिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उस दे विच असीं एक सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म्स ऑफ एलगोरिदम असीं दिता होया जिस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा है साडा कंप्यूटर साडा वर्क करता है। एक इंस्ट्रक्शंस हुंदियां ने कंप्यूटर नूं। एलगोरिदम एक की है जिस दे विच फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैप्स हुंदे ने। उस दे विच कंप्यूटर नूं एक इंस्ट्रक्शन दित्तियां हुंदियां ने, वैल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन हुंदियां ने जिहड़ियां कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन वास्ते एक डिज़ाइन किया हुंदा है। उसनों असीं जिहड़ा स्टैप वाइज प्रोसैस है दैट इज़ कॉल्ड एन एलगोरिदम। एलगोरिदम दियां करैक्टरिस्टिक्स की ने, की हुंदा है इहदे विच? एक तां इनपुट सिस्टम है। एलगोरिदम एक सॉफ्टवेयर है, सिंपल लैंग्वेज कहिए तो एक प्रोसैस है, एक प्रोसीजर है जो कंप्यूटर नूं दिता जाता है। कंप्यूटर दे विच एक सॉफ्टवेयर दे फॉर्म दे विच इंस्टॉल किया जाता है जिस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा है वो वर्क करता है। तो एलगोरिदम नूं कुछ इनपुट्स देनिया पैंदियां ने, कुछ इंस्ट्रक्शन देनिया पैंदियां ने, उसी इनपुट्स कहने हैं। जीरो और मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड। इस इनपुट्स की फॉर्म के असी कुछ उन्होंने कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं, कुछ नंबर्स कुछ डेटा अस दें। उस तो बाद जड़ा है वो एलगोरिदम जड़ा है वो प्रोसैस होंगे तो उस तो बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस होंगी है। घट्टो घट एक क्वालिटी जरूर प्रोड्यूस होंगी, आउटपुट जरूर आती है, आउटपुट आनी चाहिए है, मतलब ये एलगोरिदम का एक खास है, आएगी। नैक्सट है प्रोसीजन। जेडे स्टैप्स ने एलगोरिदम एक वैल डिफाइंड ते प्रसाइजली स्टेटड होंगे ने, यानी कि उसनों क्लीयर इंस्ट्रक्शन होंगे ने, कोई ये कन्फ्यूजन नहीं होंगी। इनपुट्स के बेसिस के उपर जो है वो एलगोरिदम वर्क करता है, एक क्लीयर सानू जो है आउटपुट देता है। नैक्सट है डिटरमिनिज्म। जो एलगोरिदम के हर एक स्टैप के जो एग्जीक्यूट होंगे तो उदो एक यूनीक आउटपुट निकलती है। तो नैक्सट स्टैप जाने तो पहला जिहड़ा है एक यूनीक एक डिटरमाइंड जिहड़ा है वो रिजल्ट हुंदा है, वो नैक्सट स्टैप नूं विच लै जांदा एलगोरिदम दे। उस तो बाद उस तो नैक्सट तो ये जिहड़ी है एग्जीक्यूशन हुंदी रहिंदी है स्टैप्स दी। नैक्सट है फाइनेटनेस। जे असीं एलगोरिदम दियां इंस्ट्रक्शन नूं देखिए तां एक एलगोरिदम दे विच जिहड़े नंबर ऑफ स्टैप्स ने प्रोसैस दे वो फाइनेट हुंदे ने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਨੈਸ। ਤਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਕਰੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट है जनरली। जिहड़ा एलगोरिदम है वो जनरल होना चाहिए क्योंकि असी एक एलगोरिदम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम वास्ते प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने वास्ते डिजाइन नहीं करते। असी उस प्रॉब्लम वर्गियां होर बहुत सारिया प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने वास्ते असी इको ही एलगोरिदम डिजाइन करते हैं। तो यह मतलब है कि एलगोरिदम की जी नेचर है वो जनरल होनी चाहिए है। इफेक्टिवनैस। एलगोरिदम इफेक्टिव होना चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी बेसिक, बेसिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो हर एक जो है फील्ड का बंदा उस कंप्यूटर यूज़ कर सके। तो जोड़ा है एलगोरिदम जोड़ा है उस इंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली जोड़ा है वो कैरीड आउट कर सके। तो ये एलगोरिदम ने कुछ विशेषतावान ने, एलगोरिदम इस तरह का होना चाहिए। असी एलगोरिदम जोड़ा है उस दे विच एनालिसिस दे विच असी की कुछ पढ़ांगे, हिचकी आ जाता है।
पहला तो है कि एल्गोरिथम किवें बनाया जाता है, उसनों किवें चैक किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है, तो उस तो बाद जो टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ तीन चार स्टेप्स ने। एल्गोरिथम क्रिएट करना एक आर्ट है, ठीक है। एल्गोरिथम मे नॉट बी फुली ऑटोमेटेड, कुछ कुछ एल्गोरिथम दे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देनिया पैंदे ने, ऑटोमेटिक बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड नहीं होंगे। एक स्किल है, असी विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रैटजीज कुछ चीज़ा असी सीख के असी जेड़ा है वो असी एल्गोरिथम बनाना सीख जाने हैं। वी कैन डिवाइस न्यू एंड यूजफुल एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम बनाने तो बाद असी ये देखना होंगे है कि वो एल्गोरिथम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो असी कंप्यूटर के उपर उसकी करैक्ट आंसर देखते हैं बाय फॉर ऑल जो है लीगल इनपुट्स। तो वारी वारी इनपुट्स देने तो बाद असी उस एल्गोरिथम चेक करते हैं कि जी आउटपुट है वो सही आ रही कि नहीं आ रही। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड एल्गोरिथम वैलिडेशन। उस तो बाद है एल्गोरिथम एनालाइज करना। असी जिस फील्ड ऑफ स्टडी दे लई उस एल्गोरिथम जेड़ा है वो डिवाइस किया है, जेड़ा कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के विच परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस में, की करता है उसकी मेमोरी नू होल्ड करता है, प्रोग्राम डेटा, ठीक है। ये सारा कुछ असी उसकी परफॉर्मेंस एनालिस करेंगे, कितना टाइम लिया उसने कंप्यूटिंग दे लई, ठीक है। उस यानी कि एक इस तरह का एरिया है, इस तरह का मतलब टास्क है जिस दे लिए बहुत साढ़े को स्किल होना चाहिए और असी घट्टो घट मैथमेटिकल स्किल जरूर होना चाहिए ता जो असी जो है एल्गोरिथम एनालाइज कर सकीए तो उसकी देख सकीए कि वो जो है साढ़े लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो जो है वो वैलिड है कि नहीं, वो बेटर है कि नहीं। क्योंकि असं उसकी बैटरमेंट के लिए असं की कर सकते हैं उसकी करैक्टनेस से उसकी टाइम कंप्यूटिंग टाइम जोड़ा है वो बहुत घट होना चाहिए। जिन्ना फास्ट रिजल्ट देवेगा उन्ना ही जोड़ा एल्गोरिदम साडा वो वधिया मनिया जाएगा। हाउ टू टेस्ट ए प्रोग्राम। एल्गोरिदम फाइनल करने तो बाद जोड़ा है उसकी टेस्टिंग की जाती है। असी प्रो जिस डिबगिंग ते प्रोफाइलिंग होंगी है। डिबगिंग का मतलब होंगे कि एग्जीक्यूट करके असी प्रोग्राम देखते हैं कंप्यूटर के उपर वो हो रहे कि नहीं हो रहे, कोई फाल्टी रिजल्ट नहीं आ रहा, और उस तो बाद असी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि की वो जो डेटा है वो करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, टाइम कितना ले रहा है। तो यह सारा कुछ चेक करने के लिए असी एल्गोरिथम असी टेस्ट करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स जिहड़ियां कि असी जो है एल्गोरिथम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम दे विच असी स्टडी करते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम एक अजिहा एल्गोरिथम है जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नू वार वार यूज़ करता है। रिकर्सन का मतलब होंगे वार वार यूज़ करना। तो एक स्टैप्स नू कुछ स्टैप्स जोड़े है उस एल्गोरिथम दिते होंगे ने उन्होंने वार वार यूज़ करने तो बाद जोड़ा है वो एक फाइनल रिजल्ट आउटपुट दिता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। अगे है कंपलैक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। कंपलैक्सिटी एल्गोरिथम किन्ना गुंझलदार है। एल्गोरिथम जिन्ना सिंपल होएगा उन्ना ही वधिया होएगा, क्योंकि उन्ना ही वो उस दे प्रोसैसिंग दे टाइम घट लगेगा। तो जेड़ा है एल्गोरिथम नू बैटर मन्ना जाएगा कि किन्ना वो टाइम लेंदा है टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम एंड किन्नी मेमोरी स्पेस उसनू कंप्यूटर दे विच चाहिए है। किसी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर कुछ टाइम लेंदा है, कुछ अर्थमैटिक ऑपरेशन करता है, एडिशन सबट्रैक्शन कुछ होर चीज़ा करता है, तो वो सारे कुछ प्रोसैसिंग के लिए जो टाइम लगा है वो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम। तो वो बहुत घट होना चाहिए ताकि सानू जल्दी रिजल्ट मिल सके। और बाकी जो एल्गोरिथम है वो कंप्यूटर के स्पेस किन्नी घेरदा है, किन्नी स्पेस चाहिए है, जिन्नी घट तो घट स्पेस लवेगा एल्गोरिथम उन्ना ही बैटर मनिया जाएगा। तो जेकर स्पेस ज़्यादा रह रहा ले रहा है एल्गोरिथम
और टाइम भी प्रोसेसिंग दे ज़्यादा लै रहा, उसमें ज़्यादा कंपलैक्स एलगोरिदम मनांगे तो वो उस दे वो साढ़े लिए ज़्यादा बैटर नहीं होएगा। तो असी एक अजिहा एलगोरिदम सानू चाहिए जो घट टाइम दे विच और घट जी है स्पेस दे नाल साडा जिहड़ा है जिहड़ा है वो प्रोग्राम रन हो सके और जल्दी घट टाइम दे विच जिहड़ी आउटपुट दे सके। दैट एलगोरिदम इज कंसिडर टू बी बैटर। कुछ असी फंक्शंस पढ़ते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस जो असी एलगोरिदम डिवाइस करने के लिए जो है वो एलगोरिदम जो है स्टडी करने के असी और एनालिसिस करने के असी यूज़ करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ने फॉर कंप्यूटर साइंस। पहला फंक्शन है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन की है कि सपोज एक्स इज अ रियल नंबर दैन फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स इसमें असी इस सिंबल में लिखेंगे दैट इज द जेकर एक्स इंटीजर है तो इसका फ्लोर फंक्शन यही होएगा, इसकी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल 17 का फ्लोर फंक्शन 17 है, -5 का फ्लोर फंक्शन -5 ही होएगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर सी। जेकर एक्स इंटीजर नहीं है तो इसके इमीजिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर जो होएगा दैट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल 3.14 ये साडा एक इंटीजर नहीं है बट नंबर लाइन के उपर देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है। असं 3.14 की गल कर रहे हैं, ये 3.14 है। तो 3.14 दे क्योंकि इंटीजर नहीं है तो इसके इमीजिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर है 3, इस करके इसकी जी फ्लोर फंक्शन की वैल्यू आएगी 3 आएगी। अंडर रूट 5 जो है, अंडर फाइव की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है यानी कि ग्रेटर दैन 2 है। तो इतने कितने आएगा अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का फ्लोर फंक्शन होएगा इमीजिएटली लेफ्ट वाला इंटीजर क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो जेकर एक्स की वैल्यू इंटीजर है तो उसका फ्लोर फंक्शन वही वैल्यू आएगी। सिमिलरली सीलिंग फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन सपोज एक्स इज अ रियल नंबर एंड सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स जेकर एक्स इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही आएगी, जेकर इंटीजर नहीं है तो इसके इमीजिएटली राइट वाला जो इंटीजर होएगा वो इसकी वैल्यू होएगी। फॉर एग्जाम्पल 3.14 की गल करिए, असी अगेन इतने आ जाने, ये 3.14 है, इसते असी सीलिंग फंक्शन की गल कर रहे हैं तो इमीजिएटली राइट वाला इंटीजर की है 4 क्योंकि 3.14 इंटीजर नहीं है। सिमिलरली अंडर रूट 5 भी इंटीजर नहीं है, इसकी वैल्यू जी है 2 और 3 के विचकार लाई करती है ये है, तो इसके इमीजिएटली राइट वाला इंटीजर है 3, इस करके इसकी सीलिंग फंक्शन की वैल्यू 3 होएगी। 9.2 ये नैगेटिव है, ये सपोज 9 है -9, ये है -10, -10 -10, तो ये साडा -9.2 है। तो इसकी क्योंकि असी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि साडा जिहड़ा सीलिंग फंक्शन है जेकर कोई वैल्यू ऑफ एक्स जी है वो इंटीजर नहीं है तो उसके इमीजिएटली राइट वाला इंटीजर इसकी वैल्यू होएगी, इस करके -9.2 का सीलिंग फंक्शन -9 होएगा तो फ्लोर फंक्शन की होएगा -10 होएगा। 17 एक इंटीजर है, इसकी जी सीलिंग फंक्शन की वैल्यू जी है वो 17 ही आएगी क्योंकि 17 एक इंटीजर है। सिमिलरली जिमें साडे कोल फ्लोर फंक्शन की वैल्यू भी 17 ही आ रही थी क्योंकि दोनों केसिस दे विच 17 जिहड़ा है वो एक इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फंक्शन से असी होर अगे पढ़ांगे नैक्सट वीडियो दे विच। तो साडा जिहड़ा सिलेबस है इस सेमेस्टर दे विच थोड़ा घट है पहले सेमेस्टर नालों, जिहड़ियां बुक्स जिहड़ियां तुसीं लैणियां ने वो हैगियां ने उही बिल्कुल जिहड़ा है पब्लीकेशन फॉलो करना है शर्मा पब्लीकेशन, और जहाँ तुसी लै सकते हो प्रसाइज वाला। प्रसाइज दी बुक्स आउंदियां ने, सारे सब्जेक्ट्स दी आ रही ने, वो तुसी लै सकते हो, थोड़े कोल एक चॉइस वो भी हैगी है।